अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू द मैरिड लाइफ सीरीज़ बाय यूथ केयर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोमिन खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप खैरियत? वो दिनों के बाद मैरिड लाइफ सीरीज में मैं बुला रहा हूँ। हम नहीं बुला रहे मोमिन को, क्योंकि मोमिन को हैदराबादी बैठक में बिठाया जा रहा। बड़े हो गए जरा मैरिड लाइफ सीरीज के बाद। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोमिन, डाउरी के ऊपर है। अच्छा, डाउरी, जहेज, दहेज, जोड़े की रकम भी बोलते हैं अपने पास, नहीं जोड़े की रकम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि दुल्हा और दुल्हे वाले, ये दुल्हन और लड़की वालों से डिमांड करते हैं कि वो डौरी दे। भाई 50,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, 1,00,000 रुपये चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, जिसे डौरी कहते हैं, जहेज कहते हैं, दहेज कहते हैं, और भी शायद दूसरे जगहों पे कुछ और नाम लेते हैं। इस्लाम जो है इतना बेहतरीन दीन है, हमको जुल्म से मना करा इस्लाम, हर किस्म के जुल्म से इस्लाम जो है जुल्म को मना करा। तो ये जो है डौरी मांगना, ये लड़की वालों के ऊपर जुल्म है, ये लड़के वालों के ऊपर जुल्म है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। इस्लाम जो है, अब आपको तो मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, शादी करे तो क्या होता, उल्टा दुल्हा जो है दुल्हन को मेहर देना, ब्राइडल गिफ्ट, उल्टा उन्हें देना चाहिए। और यहाँ पर क्या करें, हम डिमांड करें जो दूसरे कौमों का मुशाबियत इमिटेट करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो जिस कौम को इमिटेट करेगा वो उन्हीं में से। अब जरा आप देखिए इसका मैरिड लाइफ पे कैसा इंपैक्ट होता, क्योंकि हम मैरिड लाइफ सीरीज चला रहे हैं तो एक खुशहाल जिंदगी गुजरे नौजवानों की, लड़का लड़की की। लेकिन डाउरी से स्टार्ट करेंगे आप, एक तो ये गलत है, हराम है, एक तो गैरों की मुशाबियत है। उसके बाद मेरे भाई जरा सोचिए, मैं उन भाइयों से बोलता हूँ कि भाई आप अपने आप को बेच रहे हैं, आप मार्केट में आप जो है ना अपने आप को बेच रहे हैं और आप डिमांड कर रहे हैं। आपको थोड़ी जरा खुद सोचिए, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, अपने आप को मैं बेच रहा हूँ भी कितने, 50,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000। इसीलिए एक बहुत बड़ी कहावत अपने पास है, देखो, बी ए मैन से नो टू डाउरी, बी ए मैन से नो टू डाउरी। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम हैदराबाद इंडिया के शहर से हैं, यहाँ पर एक सोशल रिफॉर्म जो है, सोशल रिफॉर्म कुछ उनका वो है ना, अलीम खान फालकी साहब, बहुत ज़्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रहे हैं डाउरी के अगेंस्ट, और बहुत कैंपेन्स चलाते हैं। और उनके ग्रुप में सुना मैं कि डाउरी वहाँ पर भी हो या जो भी हो, ऐसे शादियों को बॉयकॉट कर दो, मत जाओ जहाँ पर डाउरी है, नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है लड़की वालों के ऊपर। अब देखिए आप, अगर एक लड़का डाउरी लेके शादी कर लेता तो बहुत वक्त तो लड़की बेचारी दुल्हन शादी के बाद वो बोलती नहीं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता वो दिल में नहीं रखे बात। दिल में तो उन्हें सोचते रहती है, अरे कितना भी करो, इन्हें मेरे माँ बाप को तकलीफ दिया, पैसे मंगा, बहुत मुश्किल से मेरे माँ बाप जो है ना जमाए, कैसा मुश्किलों से जमाए, तो ये तो कैसा भी सोचती। अगर वो नहीं सोची, वैसे बहुत आजकल तो खामोश बैठने वाले बहुत कम है, कुछ ना कुछ बोलने वाले ही है। ज़रा लड़ाई होती, अगर आपको बोलना, चुप बैठो तुम, क्या बातें कर रही, तुम तो मेरे से पैसे लिए, डौरी मंगे, तुम बिक गए थे, तुम्हारे को खरीदी मैं 5,00,000 में, तो हमारे बाबा तुम्हारे को खरीदे, यानी ये सुनना अच्छा दिखता। बल्कि खुददार बनिए, मर्द बनिए, अपने पैसे कमाइए और मेहर दीजिए। बल्कि लड़की वालों को ये भी बोलना गलत है कि भाई हम कुछ नहीं मांगते, आप अपनी मर्जी से दे दो, इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग, नहीं भाई ऐसे चल रहा आजकल, तो आप ऐसा मत बोलो, नहीं हम तो कुछ नहीं मांगते, आप भाई कुछ भी नहीं मांगते, नहीं, आप शर्त रख दो, जैसा शर्त रखते ना मांगने की, अगर आप कुछ देंगे तो हम निकाह नहीं करते, कुछ भी मत दो भाई आप, हम इंशाल्लाह ताला हमारे पैसों से आपको जो देना है बोलिए, हम वो खरीद के दे देते हैं बच्ची को आपके, आपके बच्ची को आप चाह रहे हैं कि ये ड्रेसेस दिलाना हमारे पैसों से, सिर्फ आप अपनी बेटी दे दो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। और एक बात, इंसान के हालात कभी भी सेम नहीं होते मेरे भाई, आप ज़रा सोचिए, जो मजबूर गरीब घराने की लड़कियाँ हैं, बहनें हैं हमारी, जिनकी शादी इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि उनको डाउरी मांगा जा रहा, वो क्या करेंगे ज़रा बोलिए। और आज तो हराम और फितने इतने हैं, अगर वो हलाल तरीके से शादी नहीं करेंगे, कहीं और हराम तरीके से कर लेंगे, डाउरी के चक्कर में शादी नहीं करके वो किसी और कौम के शख्स के साथ शादी करके कर लेंगे या भाग जाएंगे, इसके जिम्मेदार सारे सोसाइटी के लोग भी होंगे और ख़ास तौर पर वो लोग होंगे जो डाउरी तलब करते हैं, है ना। तो अब जो है हम यही बोलेंगे कि आप अपने हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, अल्लाह ना करे, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, अल्लाह ना करे आपके घर भी बेटियाँ हो गई, आपके पास भी बहन है, और आपके हालात आज अच्छे हैं, आप डौरी मंग रहे हैं, लेकिन कल आपके हालात ख़राब हो जाते हैं, कोविड के बाद हो गया या कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, कुछ हो जाता, तो जब आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास 3 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं, उनकी शादी का वक्त आ गया, जब अगर कोई डौरी अगर तलब करके बैठ गया कि डौरी देंगे तो आपकी बहन की शादी होगी, और आपकी बहन की शादी अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, या बेटी की शादी अल्लाह ना करे नहीं हो रही, तो आप पे क्या गुजरेगी ज़रा सोचिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए पसंद करे। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी, आपकी बहन की शादी डौरी की वजह से रुके, तो फिर आप भी दूसरे भाई बहनों की मदद करें इंशाल्लाह, ऐसा सोचेंगे तो भाई आपके बहन और बेटी की भी शादी आसानी से हो जाएगी। ये खतरनाक ईविल जो है सोसाइटी में फैला हुआ, इसका बॉयकॉट करें। और नौजवान,
ये बिल्कुल मत बोलिए कि हमारे माँ बाप बोल रहे हैं भाई वो लोग की ख्वाहिश है डाउरी लेना या ऐसा है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सख्ती से मना करें आप, किसी पे जुल्म करके शादी मत करिए, आपकी बुनियादी जुल्म से शुरू हो रही है, ये जुल्म है, सिर्फ गरीब घरानों के लिए नहीं, नहीं कर सकते, क्या बोलते मम्मी? अब्बा जाने कर्जा ले लेते। अच्छा इसमें और एक बुराई आ जाती है, कर्ज लेके लोन पे इंटरेस्ट पे लोन, वही शराना भी है, नहीं सूद ले लेते, अब सूद देते देते उनकी जिंदगी उसमें अलग खराब। भाई किसी को तीन बेटियां हैं, किसी को चार बेटियां हैं, पहली बेटी की शादी में सूद में आ गया इंटरेस्ट देके, अब उन्हें दूसरी बेटी की शादी करना बोल तो क्या करना हो, उसकी शादी लेट हो जाती, लेट हो गई तो बच्ची बेचारी सफर करते रहती। ये तमाम कितनी इवल और कितनी बुराइयां फैल रही सिर्फ एक अमल से, डाउरी के। इसका बॉयकॉट करें, इसको खत्म करें जितना हो सका, जो जो लोग इसके खिलाफ काम करें उनका साथ दें, चाहे अलीम खान फाल्की साहब हो या कोई और हो, इसका साथ दें, मजबूती से खड़े, डाउरी को खत्म करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की और आने वाली नस्ल की हिफाजत करे ये गलीज बीमारी से, और शादियों को आसान कर दे, डाउरी की जैसी बीमारी को हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर दे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमसे, हमें कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।